माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। सबको मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या यह दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई, हिंदुस्तान में उस दिन सुराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कह उठे थे, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा, यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय
धर्म निरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ वकालत करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन का की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने के लिए, अध्यक्ष जी ये सच्चा है, ये धर्म निरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले अध्यक्ष जी आप तो साक्षी हैं। क्या व्यवस्था? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मंदिर जाने से रोका गया। और इसमें क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, भगवती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया था। अध्यक्ष जी मैं कह रही थी ये सेकुलर हैं, ये कांग्रेस जन दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस मैन सेकुलर हैं और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठा कर माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेक्युलर। क्या सभापति जी, मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सकें। मैं नहीं जानता किस रोष में ये लोग बोल रहे हैं। आपसे बहुत से रोष वालों को मैंने देखा है, ये रोष उनको नहीं दिखा है। इसलिए मैं तो सभापति जी को ले कह रहा था, जब सुषमा जी बोल रही हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बसाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि हम सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ,
सरकार या ना सरकार, हमें सेक्युलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, हिंदुत्व शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे, लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें डबडबा गई जब इस जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियननेस, इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरार सिंह महाराज जी के, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारत भारतीय भारतीयता क्या होती है। मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा, एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरारसिंह महाराज जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? They originated from America. Yes. अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखाड़ता है। यह एक संस्कृति के कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति। यही है एक संस्कृति। मुझे संस्कृति का उदाहरण कहीं शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है, ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण। ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। के बारे में नहीं, ये ऐसे ही हो गया। आखिर चार लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, जेएमएम गायब है, शुगर स्कैंडल गायब है, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढिंढोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं। केवल मुक्के मार कर कह देने से ये नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला है। आज भी यूरिया स्कैम में अक्सर पकड़े गए हैं, लेकिन दोनों के रिश्तेदार अभी नहीं पकड़े गए। 5 दिन का समय दिया गया, आखिर क्यों? इसलिए मैं कहती हूँ, ये साझेदारी सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं हुई है, ये साझेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिद्धांत के नाम पर दी गई साझेदारी।